यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं गोरखनाथ बापू के, छोटू नाथ बापू के, और बहुत सारे अलग अलग समाधि थी जो गुरुओं की, यहाँ सबके दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए तो अब यहाँ से भी चलते हैं हम लोग। चलिए मम्मी, जाना है ना, मम्मी को तो यहीं पे रुकने का मन है। यहाँ पे अमन के फ्रेंड्स बैठे है। कैसा लगा मेरा मजाक? मम्मी इसे भी जय श्री कृष्ण बोल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए कितने शांत बैठे हैं सब। कितनी सारी काउ है, गांव की ना यही फीलिंग अच्छी होती है कि यहाँ पे काउ देखने को मिलती है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं गांव में आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे बस रहना है। बहुत अच्छा ही नेचर होता है यहाँ पे। कितनी सारी काउ है, और देखिए चारों तरफ ये घर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के। और सब जगह पे देखिए, और यहाँ पे है गोरखनाथ बापू का मंदिर। आदेश बापू, आदेश, आदेश बापू। हम लोग निकल गए हैं और सडनली ही सब लोगों ने ना नक्की कर लिया है कि अभी हम लोग जा रहे हैं रखबाई माँ के टेम्पल पे। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे खाने पीने की सब चीजें मिल रही है रास्ते में, तो खाना खा लेते हैं, बट कोई मेरी सुनता ही नहीं है। और बस अभी रखबाई माँ के टेम्पल पे जा रहे हैं। थोड़ा ही दूर है यहाँ से, अभी यहाँ पे हाईवे आ जाएगा, सोमनाथ टू द्वारका हाईवे के बाद ही रखबाई माँ का टेम्पल आता है, तो चलिए वहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है हाईवे सोमनाथ और द्वारका, जिसको जिधर जाना है निशान लगा हुआ है ना वो। देखिए यहाँ से इतना कितना बड़ा रास्ता जा रहा है, और इस तरफ आएगा रंगबाई माँ का टेम्पल, और द्वारका जाने वाले सीधे जाएंगे, पोरबंदर जाने वाला इस रास्ते, सोमनाथ जाने वाले इस तरफ जाएंगे। बट हमें तो जाना है यही पे रंगबाई माँ के टेम्पल पे, जो यही पे हाईवे टच ही है बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। चले तो पहुंच गए हैं रंगबाई माँ के टेम्पल पे। यहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट है, उस गेट के अंदर जाएंगे बाइक लेके ही, और फिर आ जाएगा रंगबाई माँ का टेम्पल। चलिए तो अभी हम लोग रंगबाई माँ के टेम्पल पे पहुंच गए हैं, अब चलते हैं अंदर और रंगबाई माँ के भी दर्शन कर लेते हैं। और आज संडे है ना, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रश है, बाहर पार्किंग में ही इतने सारे व्हीकल है देखिए, इसलिए अंदर बहुत ज्यादा ही रश होगा। चलिए चलते हैं अंदर। तो चलते हैं रंगबाई माँ के दर्शन। अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। क्या लिखा है? कोई पण कर्म करो बस ध्यान एटलू राखजो। यहाँ पे पूरा सुविचार लिखा है, कोई पण कर्म करो बस ध्यान एटलू राखजो के परमात्मा हमेशा ऑनलाइन छे। ये बीच में डिजाइन बनाई हो तो सबको पता है ना, भगवान तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। भगवान के सामने आप झूठ बोलो, कुछ भी करो, भगवान को सब पता होता है। बहुत अच्छे अच्छे सब जगह पे सुविचार लिखे हैं, पूरे के पूरे दोनों साइड पे। अमन पढ़ के चलो, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी। पढ़ो चलो जल्दी से, तुम पढ़ो। रंगबाई माँ के टेम्पल पे दर्शन कर लिए हैं, अभी अंधेरा ना हो ना उससे पहले यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं, बिकॉज अभी यहाँ से घर थोड़ा दूर है। आधे 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 करके यहाँ तक पहुँच गए हैं दर्शन करते करते, तो चलिए अभी यहाँ से भी चलते हैं हम लोग। And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back. You don't know it. Okay,
पीछे रह गए थे, बट रास्ते में ना मच्छर बहुत ज्यादा ही सामने आ रहे, बोल रहे हैं तो चले जा रहे थे, मुँह में आँख में सब में लग रहे हैं। ये लोग पीछे से वेट कर रहे थे। चलिए तो यहाँ घर पे पहुँच गए हैं, मम्मी अभी लॉक खोल रही है। अभी हम लोग सीधा आए हैं यहाँ पे मम्मी के घर पे, तो चलिए चलते हैं अंदर। हम लोग हमारे घर पे नहीं गए हैं, सीधा सब लोग साथ में थे इसलिए मम्मी के घर पे ही हम लोग सीधा। पानी की बोतल लेके आई थी, किसी ने पिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम, पानी का क्या काम है क्या। चलिए तो अभी रात के बज गए हैं 11:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर पे। मम्मी देखिए फोन पे मस्त बात कर रही है, और हेमल क्या कर रहे हैं आप, ये जो बांधे थे ना सब लोगों ने साफा ये सब लोगों ने साफा बांधे थे ना, वो चेक कर रहे हैं। चलिए गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। बाय बाय अमन, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। आना हाँ, जहाँ मैं रही हूँ और बाहर अमन जा रहा है, बिकॉज सब लोग बाजू के घर में गए हैं, सब सामान वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अमन को बताते नहीं नहीं है कि हम लोगों ने व्लॉग में अमन को दिखा दिया।